जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक क्राइम फिल्म डैमेज्ड के बारे में। फिल्म स्टार्टिंग में हमें स्कॉटलैंड का एक शहर दिखाया जाता है, जहाँ एबिगेल नाम की लड़की रात को जब अपने काम से वापस आ रही थी, तो हम देख पाते हैं कि उसका पीछा एक बंदा कर रहा होता है। जब वो अपने घर के अंदर आती है, तो वो बंदा उसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और वो एक चाकू से उसे बुरी तरह स्टैब कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो एक आरी निकालता है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस को जब खबर मिलती है, तो पुलिस वहां पे पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद हमें यूएसए का एक शहर दिखाया जाता है, जहां पे डैन नाम के डिटेक्टिव को बुलाया जाता है एक मर्डर केस पे काम करने के लिए। डैन जब वहां पे पहुंचता है, तो वो क्राइम सीन देखकर एक रिपोर्ट बनाता है। और उसके बाद जब वो घर जाने के लिए अपनी कार में बैठा होता है, तो उसका पार्टनर उसके पास आता है, क्योंकि उसे वो स्कॉटलैंड वाले मर्डर की फाइल देता है और उसे बताता है कि स्कॉटलैंड में भी ठीक उसी पैटर्न में मर्डर हुआ है, जिस पैटर्न में कुछ साल पहले यहाँ पे मर्डर्स हुए थे। यानी कि वो कातिल अब स्कॉटलैंड जा चुका है, जिसे वो नहीं पकड़ पाया था। और तभी उसे स्कॉटलैंड की पुलिस से फ़ोन आता है, ताकि वो वहाँ पर आ सके, ताकि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प कर सके। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम डिटेक्टिव बॉयड को देखते हैं, जिसे उन मर्डर्स का केस दिया गया था। और बॉयड अपनी बीवी मैरी के साथ अपने घर में होता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रूठे हुए हैं। मैरी उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ वक्त बिताए, लेकिन बॉयड उससे कहता है कि इन मर्डर्स की वजह से वो शांत नहीं बैठ सकता और उसे काम पर जाना होगा, ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पे उसे डैन मिलता है, क्योंकि वहां पर आ गया था उसकी मदद करने के लिए। सुपरिटेंडेंट डैन को उस केस के बारे में बताती है, जहाँ वो उसे प्रेजेंटेशन दिखाती है और कहती है कि ये मर्डर वैसे ही हुआ है, जैसा ही कुछ साल पहले यूएसए में हुआ था। वो यही बताती है कि उन मर्डर्स के पास उन्हें कुछ सेटैनिक आइकन भी मिले हैं, जिनका मतलब क्या है उन्हें कुछ भी नहीं पता। डैन उन्हें बताता है कि जरूर ये कोई कॉपी कैट किलर है, क्योंकि उस किलर का पैटर्न कुछ अलग था। वो सेटैनिक आइकन नहीं लगाता था, बल्कि यहाँ पे सेटैनिक आइकन वो पीछे छोड़ता है, जिससे उन्हें पता लग गया था कि वो कोई कॉपी कैट किलर है। उसके बाद बॉयड डैन को उस क्राइम सीन पे ले जाने लगता है, जहाँ पे डैन उसकी कार में उसके परिवार की फोटो देखता है, जिसमें मैरी और उसका एक छोटा बेटा भी था। डैन उससे कहता है कि उसका परिवार बहुत अच्छा है, तो बॉयड उससे कहता है कि उसका परिवार पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले उसका छोटा बच्चा मर चुका है, जिसकी वजह से उसकी बीवी और उसमें अब बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि वो दोनों ही उसकी मौत से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। उसके बाद वो दोनों क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। डैन उसे बताता है कि जिस तरीके से मर्डर किया गया है, उससे ये साबित होता है कि वो पैटर्न बिल्कुल अलग है। तभी बॉयड को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो कि उसे घर आने के लिए कहती है, तो वो उसे इनकार कर देता है और डैन खिड़की से उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी बॉयड को एक नेबर नज़र आता है, जो कि डस्टबिन पे अपने जूते रखता है और अंदर जाता है, और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। वो उसके पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए, तो वो उससे कहता है कि वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला, अगर उसके पास वारंट है तो वो वारंट लेकर आए, तब वो बात करेंगे। ये सुन के बॉयड समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और तभी वो दूसरी नेबर को देखता है, जो कि उसे अपने पास बुलाती है, और वो उसे बताती है कि दरअसल उस नेबर का नाम एवरी थॉम्पसन है, और वो बहुत ही बुरा इंसान है, जो कि हमेशा पड़ोसी से लड़ता रहता है। जो लड़की यहाँ पे मरी है, दरअसल उससे उसकी बहस हुई थी कुछ दिन पहले, क्योंकि किसी ने एवरी के कार पे अंडा फोड़ दिया था, इसी वजह से उसे लग रहा था शायद ये एबिगेल का काम है, इसीलिए उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी, और एवरी ने यह भी कहा था कि वो उसे जान से मार डालेगा। बॉयड सुन के हैरान हो जाता है, और इधर बॉयड की वाइफ उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन बॉयड अपने काम में बिजी होता है, इसीलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाता। रात को बॉयड जब अपने घर पे पहुंचता है, तो उसकी वाइफ लाइट बंद करके सो जाती है, और बॉयड अपने परिवार की फ़ोटो देखकर रोने लगता है और याद करता है कि कैसे वो लोग खुशी खुशी रहा करते थे। इधर वो कातिल फिर से एक लड़की के घर जाता है, जहाँ पे वो उसे जान से मार डालता है, और उसकी लाश को भी वो उसी तरह काटता है, जैसे उसने पहली लाश को काटा था। इधर डैन को याद आता है कि उसका एक्स पार्टनर ब्रावो भी यहाँ पर रह रहा है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उससे इस केस में मदद मांगेगा। वो बॉयड को लेके वहाँ पे निकल जाता है उससे मिलने के लिए, और डैन उससे पूछता है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। तो बॉयड उसे बताता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, उसकी वाइफ ने उसे चीट किया था और उसके बाद उसका बेटा मर गया, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। उसके बाद वो रास्ते में एबिगेल के नेबर का घर देखते हैं, तो वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, और जब वो उसे पकड़ते हैं, तो बंदा उन्हें बताता है कि उसने वो मर्डर नहीं किया है, जैसे उन दोनों को लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद बॉयड वापस अपने घर चला जाता है और सो जाता है, और अगली सुबह जब वो उठता है, तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्यों ना वो अपने अमेरिकन दोस्त को डिनर पे बुलाए। तो बॉयड उससे कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी बॉयड को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कल रात एक और लाश मिली है, और वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो लाश सेम उस कातिल ने उसी पैटर्न में काटी थी, उसने उस लड़की का सर, हाथ और पैर एक साथ जोड़ दिए थे, और उसका जो बीच का अंग था, वो पूरी तरह गायब था।
वहाँ पर भी उन्हें वो सैटैनिक साइन मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और पता लगाने लगते हैं कि आखिर उस सैटैनिक साइन का मतलब क्या है। जब एबिगेल के घर वापस जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बुक मिलती है और जब उस बुक को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस साइन का नाम आँख है और किसी सैटैनिक कल्ट का साइन है। उसके बाद वो उस लड़की की माँ से बयान लेते हैं जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उस लड़की की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी लेकिन उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था कॉलिन मैकग्रॉगर और वो उसे काफ़ी अच्छा लगता था लेकिन उसकी बेटी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। इस उनके बॉय मैकग्रॉगर की डिटेल्स निकालता है और उसे पता चलता है कि मैकग्रॉगर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और उसके पास एक लाइसेंस्ड गन भी है जिसका शायद वो इस्तेमाल करता है मर्डर करने के लिए। इधर रात को डैन अपने एक्स पार्टनर ब्रावो से मिलता है और उससे मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि कैसे जब वो केस में काम किया करते थे तो वो हर एक केस को सॉल्व कर लिया करते थे। ब्रावो डैन से बोलता है कि आखिर वो इतना दारू क्यों पी रहा है तो वो उसे बताता है कि जब से सारा मर गई है तब से उसे सदमा लग गया है और वो दारू के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल उस कातिल ने उसकी वाइफ को जान से मार डाला था जिसका दोषी वो खुद को मानता था इसीलिए डैन हमेशा दारू पीता रहता था। अगली सुबह बॉयड मैकग्रॉवर के घर जाता है उससे पूछताछ करने के लिए तो मैकग्रॉवर उससे कहता है कि वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देना चाहता, वो अपनी वकील को बुलाएगा और उसके बाद ही वो कोई जवाब देगा। उसके बाद वो वारंट निकलवाते हैं मैकग्रॉवर के खिलाफ और उसे इंटरोगेशन रूम में बुलाते हैं ताकि वो उससे पूछताछ कर सकें। बॉयड मैकग्रॉवर से पूछता है कि आखिर उसका रिलेशनशिप कितने साल का था तो वो उसे बताता है कि वो कुछ महीने पहले ही मिले थे। वो देख पाता है कि मैकग्रॉगर को उसकी मौत से ज़रा भी दुख नहीं हुआ है और जब वो उससे पूछता है तो मैकग्रॉगर उससे कहता है कि उसे इससे कुछ भी नहीं लेना देना। अब उनके पास मैकग्रॉगर के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। उसके बाद वो मैकग्रॉगर के बारे में और रिसर्च करते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो एक कल्ट का मेंबर है जिसका सेम वही साइन है जो कि उस कत्ल की जगह पे मिलता है। रात को वो सभी ब्रावो से मिलते हैं जहाँ वो उससे उस साइन के बारे में पूछते हैं तो ब्रावो बताता है कि ये एक कल्ट का साइन है और इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है और पेगन्स को अपना लिया है। सुनकर डैन उससे कहता है कि यानी ये कातिले साइन वहाँ पे इसीलिए बनाता है क्योंकि उसका मानना है कि जिन लड़कियों को वो मार रहा है वो उन्हें किसी और लाइफ में भेज रहा है। इधर मैकग्रॉगर बॉयड के घर के बाहर पहुँचता है जहाँ पे वो उसकी वाइफ को देखने लगता है। उसे देखकर वो दूर से ही अपने आप को प्लेजर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बॉयड उस कल्ट के पास पहुँचता है ताकि वो मैकग्रॉगर के बारे में पूछ सके और जब वो उनके लीडर से मिलता है तो वो उससे कहता है कि वो इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बता सकता। वो दोनों से वहाँ से भगा देता है और बॉयड को वहाँ से जाना पड़ता है। रात को बॉयड ब्रावो और डैन को डिनर पे लेकर आता है जहाँ उसकी वाइफ उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। उसकी वाइफ जब सामान लाने के लिए जाती है तो ब्रावो भी उसकी मदद करने के लिए किचन में चला जाता है और डैन दूर से उन दोनों को देख रहा होता है कि वो काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। मैरी जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि वो उसे किस नज़र से देख रहा है और डैन बॉयड से कहता है कि वो बिल्कुल संभल के रहे। मैरी सुन के गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि वो ये क्यों कह रहा है। रात को जब बॉयड सोने के लिए जाता है तो मैरी उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो भी अपने बच्चे को हमेशा याद करती रहती है, उससे माफ़ी मांगती है जो भी पास्ट में उसने उसके साथ किया और बॉयड उसे माफ़ कर देता है और उससे कहता है कि अब वो एक नई शुरुआत करेंगे। उससे पूछती है कि क्या उसने डैन को उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया था तो वो उससे कहता है कि उसके मुँह से वो बात निकल गई। ये सुन के वो उसे माफ़ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो हम देख पाते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और डिसाइड करते हैं कि ये केस जब सॉल्व हो जाएगा तो वो दोनों शहर से दूर जाएंगे कहीं पे ट्रिप मनाने के लिए। उसके बाद जब वो काम पे जाता है तो वहाँ पे उस केस के बारे में वो डैन से डिस्कस करने लगता है। तभी वहाँ पर वो नेबर आती है जो कि उन्हें बताती है कि जब एबिगेल मरी थी तो एक बंदर ट्रक से कुछ सामान लेकर जा रहा था। जब वो उसे मैकग्रॉगर की फ़ोटो दिखाते हैं तो वो बताती है कि यही वो बंदा था जो कि उसके घर से सामान ले जा रहा था और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि मैकग्रॉगर ही असली कातिल है। तुरंत मैकग्रॉगर को ट्रैक करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन उनके पास अभी पूरा सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि मैकग्रॉगर ही कातिल है। रात को बॉयड जब अपने घर पहुंचता है तो उसे उसकी वाइफ कहीं पर नज़र नहीं आती। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है लेकिन उसकी वाइफ उसे नहीं मिल रही थी और जब वो उसे कॉल करता है तो एटिक से उसके फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। जब वो एटिक में पहुंचता है तो वहां पर वो अपनी वाइफ की लाश को पाता है जिसे उस कातिल ने उसी पैटर्न में काटा था जैसे कि बाकी लड़कियों को काटा था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस को इत्तला करता है जिसे कि पुलिस वहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। बॉयड अपनी वाइफ की फ़ोटो देखकर रोने लगता है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अगले दिन वो ब्रावो से मिलता है तो ब्रावो उससे कहता है कि वो इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करना चाहता है तो वो उस केस के बारे में उसे अच्छे से बताए। बॉयड उससे कहता है कि उसने उसकी वाइफ को मारा है तो वो उसे जान से मार डालेगा। तो वो उससे कहता है कि उसे जान से मारने के लिए पहले उसे पकड़ना होगा। तभी उसे डैन फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ का जो बीच का बॉडी पार्ट है वो मिल चुका है और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो अपनी वाइफ के कटे हुए बॉडी पार्ट को देखकर वो हैरान हो जाता है। इधर सुपरिटेंडेंट मैकग्रॉगर से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहाँ पे उससे पूछती है कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा तो मैकग्रॉगर उससे कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा ही नहीं है।
उसके बाद कैसलर उससे पूछती है कि क्या अमेरिका में भी उसने ही मर्डर किए हैं। तो वो उससे कहता है कि उसने कोई भी मर्डर्स नहीं किए हैं, अमेरिका उसकी फेवरेट प्लेस है इसीलिए वो वहाँ पर घूमने जाता रहता है। एक बार जब वो लंदन गया था तो उसे एक फॉरेनर मिला था और उन दोनों ने साथ में दारू पी थी और उन दोनों ने बात करी थी अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ के बारे में, जहाँ पे उसने अमेरिका के मर्डर्स के बारे में उसे बताया था। केसलर उससे पूछती है कि आखिर वो बंदा दिखता कैसा था, तो वो बताता है कि उसे उसकी शक्ल कुछ ढंग से याद नहीं है। तभी वहाँ डैन आता है और उससे इंटरोगेशन करने लगता है, लेकिन मैग्रेगर का यही कहना था कि उसने उन लड़कियों को जान से नहीं मारा है। मैग्रेगर के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं होता इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद डैन बॉयड को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे वो मिलकर दारू पीने लगते हैं और बॉयड उससे कहता है कि वो जो कोई भी कातिल है वो उसे जान से मार डालेगा क्योंकि उसने उसकी वाइफ को उससे छीन लिया है। डैन उसे बताता है कि उसकी भी एक वाइफ थी जिसका नाम सारा था और उसे भी सेम इसी पैटर्न में मारा गया था। वो दोनों उस कातिल से बदला लेना चाहते हैं इसीलिए वो उसे हंट करेंगे और वो डिसाइड करते हैं कि वो मैग्रेगर को पकड़ के सच उगलवाएंगे। और रात को मैग्रेगर जब पार्टी में होता है तो एक कातिल उसके पास आके उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। अगले सुबह बॉयड जब उठता है तो वो मैग्रेगर के शेड की ओर जाता है क्योंकि जब एबिगेल का मर्डर हुआ था तो उसे वहाँ पर एक की मिली थी और वो ये देखने के जा रहा था कि वो की उसके शेड की है या नहीं। जब वो उसके शेड के पास पहुँचता है और की को ताले में लगाता है तो वो ताला खुल जाता है और वो समझ जाता है कि वो मैग्रेगर की ही की थी। ये बात वो अपने ऑफिसर को बताता है और वहाँ पर बैकअप टीम आने लगती है। उसके बाद वो जब शेड के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे मैग्रेगर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मैग्रेगर को किसी और कातिल ने उसी पैटर्न में मार डाला है। उसे वहाँ पर उन लड़कियों की फ़ोटोज़ भी मिलती है जिससे वो जान पाता है कि उन दोनों लड़कियों को मैग्रेगर नहीं मारा था, लेकिन अब मैग्रेगर को किसने मार दिया वो ये बात पता लगाना चाहता था। उसे वहाँ पर एक चिट भी मिलती है जिस पर लंदन लिखा हुआ था और जब डैन और वो अच्छे से छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो एक कंपनी का नाम है और उन्हें वहाँ पर ब्रावो की फ़ोटो भी मिलती है जो कि मैग्रेगर के साथ थी, जिससे उन्हें लगता है कि शायद ब्रावो ही कातिल है। तभी डैन ब्रावो को फ़ोन करके उसे अपने होटल में बुला लेता है और बॉयड को जब भी पता चलता है तो वहाँ पर आने लगता है ताकि वो डैन की जान बचा सके। जब ब्रावो वहाँ पे पहुँचता है तो डैन उसे अपनी बीवी के नेकलेस दिखाता है और उसे कहता है कि ये वो नेकलेस है जो उसने उसकी बीवी सारा को दिया था। ये देखकर ब्रावो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। तो वो उससे कहता है कि वो जानता था कि उसकी वाइफ उससे चीट कर रही है और वही आदमी था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को जान से मार डाला और उसके साथ उसने उन सारे लोगों को मारा जो भी उसकी मदद कर रहे थे। ये सुनकर ब्रावो समझ जाता है कि दरअसल अमेरिका में जो मर्डर्स हुए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पार्टनर डैन ने ही करे थे, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी। ब्रावो उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन तभी वो उसे शूट कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जब बॉयड वहाँ पर आता है तो डैन उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डाले, लेकिन मरते समय ब्रावो उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ से प्यार करता था इसीलिए उसके मरने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। ये सुनकर बॉयड हैरान हो जाता है और तभी वो वहाँ पे खून से लथपथ नेकलेसेस को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये डैन को बिलोंग करते हैं और असली कातिल कोई और नहीं बल्कि डैन है। जब वो डैन का ड्रॉर खोलता है तो उसे वहाँ पे कई सारे पासपोर्ट्स मिलते हैं जिसमें उसे कई सारी आईडीज थी और उसका असली नाम डैन नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रो था। वो तुरंत उसका पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी डैन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बाहर निकलता है उसे पकड़ने के लिए और उन दोनों में शूटिंग चलती रहती है, लेकिन तभी डैन उसके पीछे आके उस पर गन तान देता है और गन छीन के उससे कहता है कि वो हार गया। बॉयड उससे पूछता है कि आखिर उसने उसकी बीवी को क्यों मारा, तो वो उससे कहता है कि ये सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, वो उन्हें चीट करती हैं जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। और जब उसने उसे बताया था कि उसकी वाइफ उसे चीट करती है तो उसने ठान लिया कि वो उसकी वाइफ को मार के ही रहेगा क्योंकि वो एक चीटर थी और वो यही डिजर्व करती थी। उससे कहता है कि वो उसे दोबारा मिलेगा और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बॉयड उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाता और तभी बॉयड को उसकी चीफ का फ़ोन आता है जो कि उसे बताती है कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने उसके ऑर्डर फॉलो नहीं किए थे और वो रूल्स के खिलाफ जाकर उसे पकड़ने गया था। ये सुनकर बॉयड हैरान हो जाता है और गुस्सा करता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डैन को पकड़ के लाएगा। इधर हम डैन को देखते हैं जो अब दूसरी कंट्री में था और वो हंसता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और आपको इसका ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।